तो उस चक्कर में मेरा वैसे बहुत फिजिक्स मतलब सिंक्रोनाइज सा नहीं हो पाता ना आपका स्कूल में, चैप्टर अलग अलग है कि कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है? सर, चैप्टर ही अलग अलग चले, कॉन्सेप्ट तो फिर आप रहने दो, दूर दूर तक है। और सर स्कूल वाली मैम पता क्या करते हैं? तो अगर चैप्टर और अलग अलग है तो दूर सर स्कूल वाले मैम पता ट्वेंटी क्या करते? सुनो सुनो सुनो, स्कूल वाले मैम का पता क्या है, वो मतलब सिर्फ लिखवाते हैं लिखवाते हैं, वो एक दिन के छह छह पेज लिखवा देते हैं, तो फिर फायदा क्या है उसको लिखने का? यस सर। लिखने का हैबिट बन रहा है आपका सर हैबिट बन रहा है वो, सर सर, इतनी स्कूल में भी स्पीड, 1 घंटा, घर में भी 1 घंटा, सिर्फ लिखने के लिए चाहिए हम लोगों सर वही तो, सर को। स्कूल में इतने फास्ट लिखवाते हैं ना कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं स्कूल में नोट्स बना सकूं। हाँ सर, और वो बीच में रिपीट भी नहीं करते, अगर हम बोलें तो। वो बोलते इतने बड़े हो गए तो हमें बार बार रिपीट करना पड़ना है अभी। ठीक है, काम करते हैं, ये सारा बात ना करेंगे अपन, अगर आप लोगों को टाइम रहेगा ना तो क्लास के एंड में रुक जाना, 10 मिनट आराम से बात कर लेंगे इस सारे मुद्दे पे। कई बच्चे गुस्सा कर रहे होंगे, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास कर ठीक दो। है, स्क्रीन आधा घंटा। दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर, वेरी यस गुड। सर बेटा आज ट्राई करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म हो जाए। एक बात हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सर, हमें मैट्रिसेस करवा रहे हैं स्कूल में, तो रिलेशनल फंक्शन का ना थोड़ा ही आया है मुझे समझ तो। बेटा अभी 12th का फंक्शन स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, तो ये सोचना मत कि आपको जो स्कूल वाले करा रहे हैं मैं फंक्शन नहीं कराया हूँ। जब मैं आपका 12th का फंक्शन शुरू कर दूंगा जो आपके एनसीईआरटी में है, तो उस टाइम में आपको पूरा समझ में आएगा, आपको रिलेशन समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि मैंने रिलेशन का एक्सेप्शन भी लिया। अब रही बात फंक्शन की, तो बेटा वो फंक्शन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, नेक्स्ट वीक से वो शुरू हो जाएगा, समझ ओके गए? सर, तो नेक्स्ट वीक से यस आपका जो शुरू ओके। होगा, मतलब ट्यूजडे, ट्यूजडे जो पढ़ाएंगे वो प्रॉपर क्लास 12th का फंक्शन कि हम लोग, उससे पहले ये जो चीजें बता रहा हूं बेटा इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, अगर आप 11th में पढ़े रहते तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा के आगे चला गया रहता अब तक, और 12th का खत्म में भी, 12th का फंक्शन में भी खत्म भी हो गया रहता अभी तक। बट द रीजन इज आप लोग थोड़ा बैकलॉग में थे तो कवर कराना पड़ गया मुझे, तो वो फंक्शन जो थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ गया काफी है, फंक्शन मैंने अभी 12th का स्टार्ट नहीं किया। ठीक है बेटा, तो ओके सर, चलिए वापस से, मैंने अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया बेटा लोग, हमने सीखा है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है सर, तो बिहेवियर यही होता है बेटा कि वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है, दैट मींस वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। सेकंड हमने क्या देखा बेटा, सेकंड हमने देखा ग्राफ कैसा होता है, तो कितने लोग जानते हैं कि ग्राफ इसका स्टेप फंक्शन होता है, स्टेप जैसा आता है, अगर मैं इसको शॉर्ट में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आ रहा था, 0 से 1 में ग्राफ, 0 से 1 में ग्राफ यूं, फिर 1 से 2 में ऐसा, फिर 2 से 3 में ऐसा, 3 से 4 में ऐसा, -1 से 0 में ऐसा, -2 से -1 में ऐसा, -3 से -2 में ऐसा। इसलिए इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि एक स्टेप जैसा ये चलते रहता है, लगता है सर घर का सीढ़ी है छत पे जाने वाला। अब इसको बॉक्स फंक्शन भी बोला जाता है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है, वो सारा चीज मैंने बेटा आप लोगों को बता दिया है कि बॉक्स फंक्शन क्यों बोला जाता है, कि आप जैसे ही ये इंटीग्रल लाइन देखते हो, फिर ये फंक्शन का ग्राफ देखते हो, ये हमेशा एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, ये हमेशा ही एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। अब बात ये है सर, बॉक्स क्रिएट करते हैं तो बॉक्स फंक्शन, अब ये पार्टी बेटा हमेशा ही टूट करके फ्लोर पे गिरती है, तो इसको बोला जाता है फ्लोर फंक्शन है सर, तो इनके कई सारे नाम है ये आप देखते हो। फिर हमने जिंट ऑफ साइन एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ किया और आपको बताया बेटा कि ग्राफ ऐसा होता है। फाइनली अगर मैं रिवाइज करूं तो बेटा कैसा ग्राफ बनता है, सपोज कीजिए ध्यान से सुनना, अगर हमारा कहानी सर एक फंक्शन का, मान लो एक फंक्शन का ग्राफ बनाना है एंड उस फंक्शन पे ग्राफ पे बॉक्स लगाना है, तो पहला स्टेप होता है ड्रॉ द फंक्शन, जिस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो वो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, ड्रॉ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप होता है बेटा ड्रॉ y इज इक्वल टू इंटीजर, रीजन क्या है सर हम इंटीग्रल लाइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेटा y अगर फंक्शन के ऊपर आप बॉक्स लगा रहे हो इसका मतलब उस फंक्शन को आप खूबसूरत बना रहे हो, वो एक मेकअप फंक्शन बोला जाता है, मैं बोलता हूं खास करके क्योंकि वो सुंदर बना देता है, और कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से बॉक्स फंक्शन यूज करते हैं बस पता नहीं चलता है, इवन जो राशन दुकान वाला होता है वो भी एक बॉक्स फंक्शन यूज करता है, कैसे, आपने सामान लिया बेटा 2 रुपया 20 पैसा का, आपको 20 पैसा देता है कभी वो, नो क्या करेगा बेटा 2 रुपया दे दो भैया, तो 20 फंक्शन 20 रुपया 20 पैसा क्या किया उसने, खत्म कर दिया, सर,
बॉक्स में डाल खत्म कर दिया, तो इनडायरेक्टली यूज होता ही होता है, समझ गए आप? तो ये जो डेसिमल वैल्यूज के बाद को इग्नोर कर देते हैं ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यूज को इग्नोर किया जाता है, वो रियल लाइफ में मैक्सिमम मतलब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैथ्स में इग्नोर नहीं करते हम। इसके लिए स्पेसिफिक एक लेक्चर लिया जाएगा, कल आपको सिखाऊंगा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। आज का टारगेट है कि गिफ को खत्म कर दिया जाए, बॉक्स को खत्म कर दिया जाए। तो स्टेप की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले जो बॉक्स के अंदर फंक्शन बैठा है उसका ग्राफ बनाओ, फिर ड्रॉ y इज इक्वल टू i इंटीग्रल लाइन लाइक y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, -2, माइनस सारे लाइन बना देंगे। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, कि जहां जहां येलो लाइन मतलब i इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका मतलब होता है बेटा जहां जहां इंटीग्रल लाइन और फंक्शन ने ग्राफ को कट किया है या तो टच किया है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पुट नेल। नेल का मतलब कि हम उसको फिक्स कर देते हैं कि सर ये पॉइंट नहीं गिरेगा। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, कि फिर आपको ड्रॉ द फंक्शन या पुल द ग्राफ डाउनवर्ड, मैं ऐसा लिख देता हूं, पुल द ग्राफ डाउनवर्ड, और ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनता है। वैसे आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स में सारा फंक्शन हो जाएंगे। अब यहां तक हमारी कहानी हो गई थी, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान दिया था। बेटा इसमें से आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। नो सर। नहीं ना, ये याद है आप लोगों को, लिखवाया है, क्लास आने से पहले रिवाइज करके आया करो, नहीं तो बहुत पंगा होगा। चलिए जी, अब आप लोगों से पूछ रहे हैं, जवाब देना, क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाओ। क्वेश्चन है पहला, अगर x, ध्यान से सुनो, 3.7 का बॉक्स क्या होगा? 3। सेकंड क्वेश्चन, -3.7 का बॉक्स क्या होगा? -4। थर्ड क्वेश्चन बेटा, अगर बॉक्स x मेरा 1 से लेकर के 4 के बीच में है, छोड़िए इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अगर बॉक्स x 4 से बड़ा है, अब 4 के बराबर है, तो आंसर क्या होता है बेटा? x कहां से कहां तक? सर 4 टू इनफिनिटी। परफेक्ट, x बताइए, अगर बॉक्स x 4 से बड़ा है, या तो वो इंटीजर 5 होगा, नहीं तो वो 5 से बड़ा होगा, तो पहला जो बड़ा इंटीजर मिलेगा वो तो 5 मिलेगा ना, तो ये बना दिया जाता है जब जब आप इनइक्वालिटी देखते हो, ग्रेटर का साइन लेस का साइन, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ग्रेटर इक्वल टू वाला मामला या तो लेस इक्वल टू वाला मामला, ये आपको हमेशा ही क्रिएट करना होता है। तो क्योंकि ये खूबसूरत नहीं था, ये बोल रहा है कि इंटीजर मेरे को 4 से बड़ा चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया और बोला सर 4 से बड़ा इंटीजर तो 5 होगा, तो वो होगा बेटा 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहां सर रिमार्क आता है, अब सारे बच्चे केयरफुली देखेंगे, कोई पेन पेंसिल ये लिखना जरूरी नहीं है, बस ध्यान से समझते जाओ ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर पाओ। बेटा अगर कोई भी बॉक्स वो इंटीजर से इक्वल आ रहा है, ये हमेशा इक्वल आएगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, एक बॉक्स इंटीजर के इक्वल हो सकता है क्योंकि इंटीजर ही इंटीजर के इक्वल हो सकता है। सेकंड पॉइंट, बॉक्स एक्स इज इक्वल आई, या मैं ऐसा बोल दूं रियल नंबर जरूरी नहीं है, ये रियल नंबर के इक्वल हो सकता है जब रियल नंबर आपका इंटीजर हो, रियल नंबर इज इक्वल टू आई। अब मैं आपसे बोलूं बेटा बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3.9, आप मना कर दोगे? क्यों मना करोगे सर? क्योंकि बेटा ये बॉक्स है, एक इंटीजर वैल्यू है, और ये 3.9 जो इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो ये अनइक्वल है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कि अगर बॉक्स, ध्यान से समझिएगा, अगर बॉक्स आई से बड़ा है, एक इंटीजर से बड़ा है और इक्वल है, तो हमेशा आंसर आता है एक्स बिलोंग्स टू आई से लेकर के इन्फिनिटी तक। आप एग्जांपल देख सकते हैं,
अगर एक इंटीजर से इक्वल था, ग्रेटर इक्वल था, तो आंसर आई से इन्फिनिटी, ये आई के ग्रेटर इक्वल था तो आई से लेकर के इन्फिनिटी, बड़ा है तो आई से इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर ये छोटा हुआ तो क्या करेंगे, बॉक्स एक्स अगर आई से छोटा हुआ तो क्या करेंगे और बराबर हुआ तो क्या करेंगे, आंसर आता है इसका एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से आई प्लस वन तक जाता है। ना सर ये नहीं समझा मैं, समझो वापस समझो, क्वेश्चन है बॉक्स एक्स सेवन से छोटा है तो क्या क्वेश्चन खूबसूरत है सर? बिल्कुल नहीं। तो खूबसूरत बनाएंगे कैसे बनाएंगे बेटा, कि बॉक्स एक्स सात से छोटा है तो एक इंटीजर जो सात से छोटा वो छह होगा, तो बॉक्स एक्स या तो सिक्स होगा नहीं तो सिक्स से छोटा होगा। अब सिक्स से छोटा कितने हो सकते बेटा, फाइव आ सकता है, फोर आ सकता है, थ्री आ सकता है, टू आ सकता है, सारे इंटीजर जो छह से छोटा होंगे वो आंसर है आपका। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर बॉक्स एक्स इक्वल टू या तो छह है, ध्यान देना सिक्स है, नहीं तो सिक्स से छोटा है, तो आप बोलोगे सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के एग्जैक्टली सिक्स भी चलेगा, एग्जैक्टली सिक्स अगर आप सेवन के बीच में भी खड़ा होते हो तो भी मिलता तब भी सिक्स ही आएगा इसका बॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर सेवन तक, लेकिन सेवन हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इस पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। बात समझ में आई? जी सर आ गए, तो लगाते हैं इस पर रेड सिग्नल कि देखो भैया आप नहीं आओगे, तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटू कितना, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से सेवन एंड ओपन। वही चीज यहां पे दिखा रहा है कि अगर आई से छोटा हुआ तो माइनस इन्फिनिटी से आई प्लस वन जाता है, अगर सिक्स से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से सिक्स प्लस वन जाएगा, मतलब सेवन तक जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, बॉक्स एक्स सेवन से छोटा है, सेवन से छोटा और इक्वल है, तो बेटा आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी एट। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर बॉक्स एक्स टू से और सेवन के बीच में छुपा है तो बॉक्स एक्स क्या क्या हो सकता है, केयरफुली समझना है कि सर एक बॉक्स एक्स मतलब एक इंटीजर वैल्यू जो दो से बड़ा है और सात से छोटा है वो वन हो सकता है, सॉरी वन तो होगा नहीं सर, वन तो छोटा है दो से, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि देन बॉक्स एक्स विल बी, बॉक्स एक्स विल बी थ्री, थ्री से बड़ा और सात से छोटा इंटीजर छह होगा सर। तो मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन खूबसूरत नहीं था सर, मैंने उसको खूबसूरत बनाया, इंटीजर खुश हो जाता है जब इक्वल का साइन देखता है, बॉक्स एक्स को हमेशा इक्वल का साइन देने की क्रिएट करो। अब आपने देखा बेटा कि बॉक्स एक्स थ्री से बड़ा है तो थ्री से इन्फिनिटी, बॉक्स एक्स सिक्स से छोटा है माइनस इन्फिनिटी से सेवन, छोटा में एक आगे चला जाता है। अब इनको खुश करना है मतलब एक्स का इंटरसेक्शन लेना है, तो बेटा ये थ्री और ये सिक्स, थ्री से बड़ा मतलब इधर, सिक्स से छोटा मतलब इधर, फाइनल आंसर इज थ्री और सिक्स, कहां से कहां तक बेटा, थ्री और सिक्स सेवन, सेवन यस सर। बात समझे, सेवन क्यों आया, क्योंकि सर सिक्स और सेवन के बीच भी बॉक्स सिक्स ही आता है, ये मैं लिख देता हूँ थ्री से सेवन लिख देता हूँ, बात समझ में आ गई, आ गई सर। तो ये तीन रिजल्ट अभी तक हमने सीखा कि अगर एक बॉक्स इंटीजर के इक्वल है, अगर एक बॉक्स इंटीजर के इक्वल है, लेट से कि वो थ्री के इक्वल है सर, नेगेटिव मतलब आगे जाता है ना, हाँ हाँ, अगर एक बॉक्स बेटा चार है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, फोर, सॉरी सर फोर से फाइव, फोर से फाइव इक्वल टू फोर है ना, ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू फोर है, तो फोर से फाइव होगा। बात समझ गए, ये सारा चीज मैं पहले ही बता दिया हूं और आप लोगों ने नहीं किया है, अगर नहीं किया उसका ही नतीजा है कि मेरे को वापस से करना पड़ रहा है, तो आपका ही कोर्स डिले होगा और क्या। तो तीन रिजल्ट हमने पढ़ा, सारे को लिखते जाएंगे जब बोलूंगा तब। बॉक्स एक्स अगर आई के बराबर है तो एक्स आपका आता है क्लोज आई से लेकर के आई प्लस वन तक। सेकेंड पॉइंट, अगर बॉक्स एक्स आई से बड़ा और बराबर है तो आई से इन्फिनिटी,
अगर छोटा और बराबर है तो माइनस इन्फिनिटी से आई प्लस वन। तीन रिमार्क बता रहा हूं, तीन प्रॉपर्टीज बता रहा हूं बेटा, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। उसके बाद और सारे प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। काफी सारा प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को सिखा दिया, वापस से सिखा है। देखिए बॉक्स एक्स एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स इंटीजर होगा। मैंने आपको यही बोला ना कि बॉक्स एक्स एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स आपका रियल रियल नंबर हो। नहीं, ये रियल नंबर आपका इंटीजर होना चाहिए। तो बॉक्स एक्स हमेशा एक्स के इक्वल आएगा जब एक्स आपका इंटीजर होगा। पहला प्रॉपर्टीज लिखते जाओ साथ में, बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज लिखिए बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट, बॉक्स के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। आने वाले लेक्चर में समझ जाओगे आप, फिलहाल के लिए आप लिख सकते हो कि अगर बॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट दिख जाए या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर बॉक्स दिख जाए तो आंसर हमेशा जीरो होगा। मान लो इक्वेशन आया जिसमें कई सारे बॉक्स लगे, ये लगाए सर, ये लगाए सर, ये लगाए सर, ये लगाए, और एक बेचारा फ्रैक्शनल पार्ट दिख गया, बस खुश हो जाओ। सर मतलब ये पी फ्रैक्शन मतलब पी वाई क्यू वाले? नहीं ना ना ना, आएगा आएगा, कहाँ नहीं आएगा। इसका आंसर हमेशा जीरो जीरो और वन के बीच में होता है बेटा। ये आंसर कहां से कहां तक देगा, जीरो से लेकर वन के बीच में देगा। अब इनके ऊपर बॉक्स लगा दो तो बेटा ये जीरो ही बन जाएगा ना। यस सर, क्योंकि अब जीरो इनके बीच में कहीं पे भी खड़ा रहो उसका बॉक्स लगा दोगे जीरो बन जाएगा। यस सर, आंसर हमेशा जीरो ही दे देता है। और रिवर्स भी उल्टा है कि कई सारे फ्रैक्शनल पार्ट आप देख लिए, कई सारे फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हो और बीच में एक बेचारा बॉक्स दिख गया, आंसर जीरो, खट करके आंसर जीरो। तो कहानी क्या है सर, कहानी ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स ऑलवेज नलिफाई ईच अदर एंड मेक देमसेल्फ जीरो। जब जब आप फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स देखोगे जीरो आंसर ठोक दो, देखना ही नहीं है सर, आंसर ही जीरो है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज नोट डाउन कीजिए, इवन आप ये तीनों भी लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, यह एन नंबर ऑफ बॉक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी वैलिड है। या आप ये पूरा एग्जांपल लिख लीजिए। अब एग्जांपल छापना थोड़ी है, आप दो तीन बॉक्स बनाओ एक फ्रैक्शनल पार्ट डाल दो आंसर जीरो, आप दो तीन फ्रैक्शनल पार्ट बनाओ एक बॉक्स डाल दो अंदर आंसर जीरो। बात समझ में आई? yes, sir. अब सवाल ये है बेटा कि सर मैं फ्रैक्शनल पार्ट डालू ही ना, मैं सिर्फ बॉक्स के अंदर बॉक्स डाल, मैं बॉक्स के अंदर बॉक्स डाल रहा हूं, तो बेटा क्या हो जाएगा? आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि जो खूबसूरत है उसको और खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स ऑलरेडी खूबसूरत नंबर लेता है, इंटीजर को बाईजत बरी कर देगा, भाई साहब आप जाओ आपका कोई काम नहीं है। जो पॉइंट वाले वैल्यूज होते हैं उनको खूबसूरत बनाता है। अब बॉक्स टू क्या होगा बेटा, टू ही होगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि सर ये पहला वाला तो इंटीजर होगा, अब इस इंटीजर के ऊपर जितना बॉक्स लगाना है लगाओ, आंसर तो इंटीजर ही आएगा ना। बात समझ में आया आपको? यस सर। ये पहला पार्टी इंटीजर दे दिया है सर, ये पहला पार्टी खुश कर दिया। अब मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं तो बेटा वापस समझो कि ये मैंने ले लिया 3.9 का बॉक्स क्या होगा बेटा सर? 3। अब ये चीज क्या बन गया 3। अब 3 के ऊपर दो बार बॉक्स लगाओ तो ये आंसर क्या होगा, बॉक्स 3 3, फिर उसका बॉक्स 3। बात समझ में आया? तो अगर 10-20 बार बॉक्स देखते हो तो हटा करके एक कर दो। अंडा समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बताइए क्या दिक्कत है? थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन कि हम बॉक्स के अंदर इंटीजर पसंद नहीं करते हैं। बॉक्स हमेशा बदसूरत नंबर को पास रखता है, खूबसूरत नंबर को बाहर रख देता है। तो ये जो चीज है बेटा m, अगर m इंटीजर मिला आप m को बाहर करेंगे। और पहला पॉइंट यही दिमाग में आना चाहिए, जब जब आप बॉक्स के सवाल को करोगे, कभी भी जब जब आप बॉक्स के सवाल को करोगे ध्यान देना कि सर एक पॉइंट मेरे को मिल जाए जिसको मैं बॉक्स से बाहर कर देता हूं, सबसे पहले उसको भगाओ।
हाँ जी बेटा बताइए, वी हैंड रेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल बॉक्स एक्स प्लस टू, बॉक्स एक्स प्लस टू क्या करोगे आप, टू को बाहर फेंक दो सर, बॉक्स एक्स प्लस टू ऐसा लिख दो, बॉक्स एक्स प्लस टू ऐसा लिख दो। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस सर। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मैं एक्स प्लस बॉक्स एक्स लिख दू तो, और ये जेई पूछता है ऐसा दो तीन बॉक्स दे देगा, फिर भी आप समझ जाओ कि सर ये भाई साहब तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो बॉक्स से बाहर जाता है, इसका मतलब समझे आप कि सर ये चीज ये बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसा लिख दिया जाएगा, ये बाहर हो गया और ये बॉक्स के अंदर बेचारा अकेला पड़ गया, तो मिला जुला कर ये कितना बने, टू बॉक्स एक्स। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी डोंट कंसीडर या वी टेक इंटीजर आउटसाइड फ्रॉम द बॉक्स, हमेशा ही इंटीजर को बॉक्स से बाहर ले लिया जाता है। बात समझ में आए? ये दो इनइक्वालिटीज है, जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा, एज सच समझने की जरूरत नहीं है, वो भी आप जानते हो कि सर एक्स जो होता है हमेशा बॉक्स और उसके आगे वाले में, आपको मालूम है ना, थ्री फोर के बीच में एक्स लाई करेगा, फोर फाइव के बीच में लाई करेगा, तो वही कहानी है। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज दोनों का अलग अलग बॉक्स, लेस देन इक्वल टू दोनों का अलग अलग बॉक्स प्लस वन, ये इनइक्वालिटीज है, इसको बस लिख लीजिए, जब जरूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, सिक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स इक्वल टू जीरो, इसको लिखना है तो ऐसा लिखिए, इसको लिखना है तो ऐसा लिखिएगा, सिक्स प्रॉपर्टी नाम दीजिए, लिखिए बॉक्स एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स एक्स इक्वल टू, ये एक बार जीरो आंसर देता है, एक बार माइनस वन देता है, जीरो आंसर तब देगा जब एक्स को आप इंटीजर लोगे, और माइनस वन तब देगा जब एक्स को आप इंटीजर नहीं लोगे। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, सर ये होता क्यों है, लो जी वो भी समझो बेटा, पहला केस ले रहा हूं कि लेट्स से कि एक्स इंटीजर है, अब इंटीजर कुछ भी हो सकता है सर, क्यों ना मैं एक्स को वन पुट कर दूं या टू, सर ये भी प्रॉपर्टी है। हाँ जी बेटा, ये भी प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टीज, आप इस फॉर्म में ना लिखोगे ऐसा लिखोगे, जैसा मैं लिखवा रहा हूं, इसको ऐसा ना लिखिए ऐसा लिखिए, सो एक्स का वैल्यू अगर टू लोगे बेटा तो बॉक्स टू प्लस बॉक्स ऑफ माइनस टू, टू का बॉक्स टू माइनस टू का बॉक्स माइनस टू, आंसर क्या होगा बेटा, जीरो। लेकिन हम कंसिडर करते हैं जब एक्स का वैल्यू 2.3 हो, जब एक्स का वैल्यू 2.3 हो तो बेटा बॉक्स ऑफ 2.3 प्लस माइनस ऑफ 2.3, आप लोग बताइए 2.3 का बॉक्स कितना होगा बेटा, सर टू, माइनस 2.3 का बॉक्स कितना होगा, माइनस वन, यही सिखाया गया कि जब इंटीजर होगा तो बॉक्स एक्स प्लस माइनस एक्स का बॉक्स जीरो आंसर आएगा, जब इंटीजर नहीं होगा तो वो दोनों माइनस वन आंसर देते हैं, इस केस में यही बताया गया। तो जल्दी से लिखिए, जी वाला प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बताया बेटा कि बॉक्स के अंदर दो तीन बॉक्स दिख जाए तो आप एक बॉक्स लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो बॉक्स दिखाई क्यों मुझे सर, और एज सच ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसका, तो आप लिख सकते हो बस नोटबुक में दिखावा करने के लिए, बाकी जब जरूरत होगा तो देखेंगे, अदरवाइज छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको स्टार मार्क करके दूंगा याद रखना। तो अभी तक मेरे को दो ऊपर का और ये नीचे का इंपॉर्टेंट लगा, और कुछ ये तो कॉमन सेंस है, ये एक जरूरी होता है जो याद हो जाता है बच्चे को कि सर फ्रैक्शनल पार्ट एंड बॉक्स ऑलवेज नलीफाई ईच अदर और आंसर जीरो देते हैं, ये प्रॉपर्टी कि बॉक्स के अंदर इंटीजर को हम बाहर निकाल देते हैं, इस पे यही सवाल करता है, एंड ये वाला आपके कैलकुलस में हेल्प कर दे, ये समझते हैं बेटा, जो कहानी ऑलरेडी हो चुकी है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐसा नहीं लिखना है जैसा लिखा है, जैसा मैं बताया हूं वैसा लिखिए, जैसा मैं बताया हूं वैसा लिखिए, ध्यान दो बेटा लोग यहां पे, ये कौन सा एच वाला प्रॉपर्टी, अगर बॉक्स एक्स आई के बराबर है, एच छोड़ो इधर का छोड़ो, मैं जैसा लिख रहा हूं वो ध्यान दो, कितने लोगों को याद है अगर बॉक्स एक्स इंटीजर होता है तो एक्स कहां से कहां तक बेटा, आई से आई प्लस वन, लेट्स से कि बॉक्स एक्स थ्री है, एक्स क्या होगा
थ्री ये प्लस बोलेगा आई वन से आई प्लस। नेक्स्ट लिखिए जी, अरे एच के बाद जी थोड़ी ना आई आएगा। बॉक्स एक्स अगर बेटा आई से बड़ा और बराबर है तो एक्स कहां से कहां तक, आई से लेकर के इन्फिनिटी। अगर बॉक्स एक्स आई से छोटा है तो बेटा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से आई प्लस वन। ऑलवेज बी केयरफुल, आई प्लस वन पे हम लोग ओपन देते हैं। समझ में आया? yes, आ गया sir. तो बस प्रॉपर्टी ठीक हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रखेंगे आप, बॉक्स एक्स प्लस, अच्छा ये मैं लिख क्यों रहा हूं आप खुद यहां से लिख लीजिएगा, ये तीन लिखिए और ये वाला दो लिख लीजिएगा, एक ये वाला एंड एक ये वाला। वापस ये कहानी में बस बुक भरने के लिए आए, कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम सवाल आपका इस पे सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम सवाल इधर ही सॉल्व हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है कहीं इधर उधर जाने का। और एक प्रॉपर्टी और यूज होगा वो ये वाला कि बॉक्स एक्स के अंदर इंटीजर दिखता है तो बाहर निकाल लेते हैं। सो 80 से 90% क्वेश्चन हम लोग यही तीन चार प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देंगे, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है सर हमें। हो जाएगा तो बताइए मुझे। हाँ जी बेटू बोल। सर ये भी उतारना है? हाँ हाँ बोलिए सर, ये भी उतारना है हमने, दूसरे साइड वाला। ग्रीन वाला लिखिएगा, व्हाइट वाला छोड़ दीजिए। ये लेफ्ट साइड में मैंने जो सिर्फ ये दो लिखना है, ये दो लिखो बस, ये तीन और ये दो, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला ही नहीं सर हर चीज। अच्छा ठीक है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में अभी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है जी। सर बता दो मतलब फर्स्ट वाला, सॉरी कौन सा बेटा, ये वाला बोल रहे हो आप? सर एच वाला। हाँ जी ठीक है, समझो जी। बेटा एज प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, अगर बॉक्स एक्स किसी भी इंटीजर के बराबर आया, लेट्स सी कि बॉक्स एक्स 3 है, तो एक्स कहां से कहां तक हो सकता है बेटा, 3 से 4 के बीच में? आप बॉक्स आपको खूबसूरत बना के 3 बना देगा, कहीं भी खड़े हो जाओ बॉक्स आपको 3 बना देगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली 4 पे आप खड़ा हो सकते हो? नहीं सर, क्योंकि जैसे ही आप 4 पे खड़ा होगे आपका बॉक्स 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो हो सकता है सर वो 3 से लेकर के 4 तक कहीं पे भी ओपन। तो प्रॉपर्टीज यही बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू आई, आई कैन बी एनी इंटीग्रल वैल्यू, देन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज आई से लेकर के आई प्लस 1 तक। अगर ये इंटीजर है आई है तो ये आई प्लस 1 है, तो आई और आई प्लस 1 के बीच में हो सकता है एक्स, अगर आपको आई चाहिए तो। क्लियर है बेटा? सर जो 3 का बॉक्स, हाँ बोलिए, वो 3 से 4 के बीच में होगा तो फिर 4 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकती थी? नहीं, जब 4 पे क्लोज ब्रैकेट तो उसका बॉक्स 4 हो जाएगा ना, बॉक्स ऑफ 4 इज 4, तो 4 को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करते हैं ओपन ब्रैकेट से। ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये डन है, आ जाए सवाल बनाए। यस सर। तो चलिए जी रेडी होते हैं, सवाल को करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, पढ़ो लिखो और उसके बाद सोचना, लिखो इसको, नोट डाउन करो नोटबुक में, अपने पास टाइम है, आज मैं 7:30 बजे तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चलेगा ना? सर साढ़े 7 आज के हो चुके हैं। अरे 8:30 बजे तक पढ़ाऊंगा। यस सर। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे टाइम बड़ा ज्यादा हो गया हो। 8:30 बजे नहीं सर, को ना कंफ्यूजन होगी सर ना, वो पहले वाली क्लास सोच बैठे 6 वाली। हाँ हाँ एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था, पर तब सर आप 7:30 बजे नहीं सकते क्योंकि 7:15 पे नेक्स्ट क्लास होती। डन बेटा लोग।
करें सॉल्व? नहीं सर, एक मिनट। एक मिनट सवाल को छापने में लगता है। मैं छापने के इसलिए दिया हूं ताकि आप सोचो सवाल है क्या। कई बच्चे ने हैंड रेज किया था कि कमेंट बॉक्स में लिखे हो। गलती से हो गया था। आज के 7:30 हो गए हैं बेटा। आज के 7:30 नहीं, मैं कल का 7:30 बोल रहा था। 7:30 AM नॉट PM। आप क्लास ना 8:15 तक लोगे, उसके बाद डिस्कशन भी तो करनी है। आप 8:30 के बाद अभी ना वो टाइम चला गया। आप लोग 10 मिनट लेट आए, इसलिए 10 मिनट ज्यादा पढ़ाया जाएगा। लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? बंद करो बकवास। डन। यस सर। तो ये क्वेश्चन लिखते लिखते सबसे पहला दिमाग में क्या खोट आया था देखते कौन कैच कर रहा है। B3 बैच वाले यार बड़ा जल्दी समझ जाते हैं सारे सवाल को। बताइए आप लोगों ने क्वेश्चन लिख रहा है कि नहीं? तुमको बाहर निकाल देंगे जो आप। तुमको बाहर निकालो सर। प्रॉपर्टी कौन सा माइनस बॉक्स एक्स माइनस टू? बोलो हाँ कि ना सर। हाँ सर। इसके बाद क्या करेंगे? पुट बॉक्स एक्स इज इक्वल टू टू। अरे टू नहीं सर, टी। सर क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, तो बेटा ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस जीरो। मैं गारंटी देता हूं कि फैक्टराइज तो नहीं होगा आपसे, हो जाएगा। टी माइनस वन टी माइनस प्लस इक्वल टू जीरो, यही आया फैक्टराइज। हाँ सर। सो टी का वैल्यू आ गया बेटा माइनस वन, और टी का वैल्यू क्या? और टी का वैल्यू प्लस टू। टी कौन है? टी कौन है? अरे देवा, टी बॉक्स एक्स है। अच्छा, ऐसा चाय के शौकीन आदमी ना बोलेंगे सर टी चाय है। इससे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। तो बेटा टी कौन है? बॉक्स है। तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और बॉक्स एक्स इज इक्वल टू टू। अब बताइए प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है? बॉक्स एक्स इज इक्वल टू आई। एक्स कहां से कहां तक बेटा? लो सर, बॉक्स एक्स इक्वल टू आई, देन x is equal to i plus 1 i और i plus 1 से 0 and यहां से x कहां से कहां तक? 2 से 2 3। अब हमारा x का दो आंसर आए बेटा। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर जब जब और आएगा तो आप यूनियन लगा के रखोगे। सो फाइनल आंसर इज बेटा माइनस 1 से 0 यूनियन 2 से लेकर के 3 तक। 3 लेकिन आंसर वाला बड़ा चलाक है, देखना क्या। पहले मुझे ये बताओ क्या बॉक्स एक्स माइनस वन और माइनस टू है? हाँ सर है, ऑप्शन में वो भी दिया है, ऑप्शन में 2 3 भी दिया है जो हमारा सॉल्यूशन सेट का आंसर है, ऑप्शन में माइनस 1 0 भी दिया है जो हमारे सॉल्यूशन में आ रहा है। इसका मतलब समझे दया क्या सर? तीनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये भी सही है। All three options are subset of our solution. अब कोई बच्चा D में क्या गया सर? None of these. बड़ा घूमने को बेवकूफ बना दिया गया। हाँ जी बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर तो हम तीनों थे थोड़ी ना करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? मल्टीपल करेक्ट आंसर भी आते हैं बेटा। मोर देन वन करेक्ट ही होता है, ध्यान रखें। जैसे ना ये तीनों सही हो गए, मतलब हाँ हमारे अकॉर्डिंग तीनों सही हो गए, पर इसमें तो फोर्थ ऑप्शन है कि none of these, तो all them तो ही नहीं। तीनों सही होगा, so option A, B and C are correct. अब इस क्वेश्चन को अगर कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है ना, तो देखो मैं कैसा लिखूंगा। इस क्वेश्चन को अगर कॉम्प्रिहेंसिव टाइप बनाना है तो मेरा असली ऑप्शन ये नहीं है, मैं अब अलग से क्रिएट करूंगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन दूंगा कि A, B are correct.
फिर दूसरा ऑप्शन दूंगा ए ओनली ए सर ओनली पॉज हो गई है सर दिख नहीं रहा अब बोलो हाँ सर अब ठीक है यस अब लिख सकते हैं ओनली ए इज करेक्ट फिर लिख सकते हैं कि ए बी सी ऑल आर करेक्ट सर हम थोड़ी ना बना सकते हैं ऐसे ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आ सकता है कि नॉन ऑफ दिस ऐसा भी आ सकता है अब आपको मालूम है कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा तो याद रखें सर पर उस टाइम पे हम तो ना करेंगे ऐसे क्या बेटा सर जब हम एग्जाम देंगे तो हम ऐसा थोड़ा कर सकते हैं ना ना टेंशन ना लो एग्जाम वाला देगा आपको तीनों ऑप्शन देगा अच्छा तो याद रखें वैसे यूपीएससी का हर सवाल ऐसे ही आता है चार ऑप्शन देगा फिर चार ऑप्शन में और चार ऑप्शन देगा कि बताओ चारों में से कौन से ऑप्शन सही है एडवांस भी ऐसे सवाल पूछता है तो डरने की बात नहीं है इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बात समझ में आ गई तो मेरे को क्वेश्चन से बढ़िया तो इसका ऑप्शन लगा सर तीन ऑप्शन सही है सारे बच्चे बोले yes, कैसे सही हो सकता है भाई क्यों नहीं हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं ऐसा थोड़ी है कि आप हमेशा झूठ बोलते हो अरे कभी सही भी बोल सकते हो या आप हमेशा सही बोल सकते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आते ही इस सवाल में बेटा ये सवाल और खूबसूरत है ध्यान से समझिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने yes, इस क्वेश्चन को कोई लिखेगा नहीं मेरे साथ पेन पेपर छोड़िए ध्यान दीजिए इधर बेटा इस क्वेश्चन में लास्ट तक आपको लर्निंग मिलने वाला है लास्ट तक आंसर लाओगे उसमें भी लर्निंग मिलेगा आपको सर यहां पे भी ध्यान देना था जी तैयार हो जाइए करते हैं सॉल्व इसको बेटा सबसे पहले हमने ये देखा कि सर वाई जो है 2 box x + 3 के भी इक्वल है एंड दूसरा ऑप्शन ये है 2 box x + 3 जो है सर वो 3 into box x - 2 + 5 के इक्वल है तो कहानी वही आ रही है कि अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है याद है ना बचपन में ऐसे ज्योमेट्री में आते थे प्रूफ करने के लिए अब करते हैं सर सॉल्व कैसे सॉल्व किया जाएगा बात बेटा यहां की है तो यहां पे हमारा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है सर मैं इतना जानता हूं कि सर अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू मुझे मालूम होता तो मैं वाई का वैल्यू निकाल लूंगा लेट्स से कि बॉक्स एक्स 4 आ गया तो बॉक्स एक्स 4 आ जाएगा तो बेटा 2 into 4 + 3 कितना हो जाएगा 4 into 2 8 + 3 11 आ जाएगा तो वाई का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं जब मुझे बॉक्स मालूम हो तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा बेटा कि बॉक्स एक्स फाइंड कीजिए आप आते हैं सर बॉक्स एक्स कैसा फाइंड होगा मैंने यहां पे देखा इधर कोई फंडा सर नहीं लग रहा है लेकिन यहां पे लग रहा है बताइए क्या सोचो बेटा लोग जल्दी बाहर निकाल दो सर परफेक्ट अच्छा अब ना यहाँ पे बच्चे लोग गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि बॉक्स एक्स माइनस टू ऐसा लिख देते हैं सर मल्टीप्लाई होगा हाँ वो भूल जाते हैं कि सर पूरा मल्टीप्लाई करना था तो ये ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है आता है जल्दबाजी में गलती कर देते हैं तो आप लोग ये छोटे छोटे मिस्टेक से बचिए लास्ट में बेटा कौन है प्लस का 5 सॉल्व करते हैं बेटू ये हो जाएगा 2 box x + 3 = 3 box x - 6 + 5 तो आप देख सकते हैं वहां पे -1 आ रहा है इधर आया 4 सो बॉक्स एक्स इक्वल टू 4 ही आ रहा है समझ गए बॉक्स एक्स 4 आया अब जैसे ही बेटा बॉक्स एक्स 4 आया सर खुश हो जाओ रख दो यहां पे वाई का वैल्यू आ गया बेटा 2 into 4 + 3 y is equal to 11 आ गया अच्छी बात है सर y equal to 11 ला दिया आपने सर स्क्रीन पॉज हो गई सर स्क्रीन ने ये क्यों पॉज हो गई भाई ठीक हो गए नजर लग गई क्या किसी की सारी क्लासेस में यही प्रॉब्लम हो रही यस सर कोई नहीं गरिमा बेटा कोई नहीं मैं पीडीएफ भेज दूंगा जब लाइट आएगा तो आप देख लेना अभी चल रहा है बेटा बताना जल्दी से सर यस सर कोई ना बेटा अब आगे चलते हैं तो क्या आपको यहां तक डाउट है नहीं डाउट है सर
तो बॉक्स एक्स का वैल्यू फोर आया, जैसे ही बॉक्स एक्स फोर आया मैंने रखा, वाई का वैल्यू आ गया। अब जो लास्ट में पूछ रहा है ना उस पे ध्यान देने की बात है कि सर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि बॉक्स एक्स प्लस वाई का बॉक्स बताओ। मेरा सवाल ये है आपसे, डू यू नो द आंसर ऑफ एक्स, क्या आपको एक्स का आंसर मालूम है? सर वाई का, वाई का मालूम है सर, एक्स का आंसर नहीं मालूम है सर। बॉक्स एक्स का आंसर मालूम है लेकिन एक्स का आंसर नहीं मालूम है। और बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि यही बॉक्स एक्स को एक समझ लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, नसीब अच्छा होता है आंसर आ जाता है, नसीब खराब होता है आंसर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर बच्चा फोर यहाँ पे रख भी देगा तो आंसर आ रहा है, कोई गलती नहीं है, तो गलती से उसका सही हो गया। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें ऑप्शन रखने से आंसर नहीं आया, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि बेटा ये बॉक्स एक्स का आंसर है ना कि एक्स का। इसलिए बोला कि क्वेश्चन लास्ट तक आपको सिखाने वाला है। तो आपने देखा सर एक्स का वैल्यू मालूम नहीं, वाई का वैल्यू मालूम है और वाई आ रहा है बेटा 11। और देखते के साथ वापस चमका, क्या चमका सर? 11 को बाहर निकालो, ये हो जाएगा बेटा बॉक्स एक्स प्लस 11। अब मुझे बॉक्स एक्स मालूम है, कितना है बॉक्स एक्स बेटा? 4। तो 4 प्लस 11 एंड सो ऑन, ओवरऑल आंसर इज 15। बात समझ में आ गई? ओवरऑल आंसर इज 15। तो यहाँ पे एक लर्निंग बेटा ये था कि मैं लिख भी दे रहा हूं, वी नो द आंसर ऑफ बॉक्स एक्स नॉट एक्स, मैं लिख दे रहा हूं हमें बॉक्स एक्स का वैल्यू मालूम है, एक्स का नहीं। सो Be careful while putting the value of x. ध्यान रखें, ठीक है? Yes, sir. हाँ जी. करने बेटा ये सवाल, आगे चले जाओ। स्क्रीन ठीक है ना अभी? यस यस सर। समझ गए तो खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पे मत देखो प्लीज। और मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं नोट कराऊंगा तो आप पीडीएफ से नोट डाउन नहीं करोगे, कुछ बच्चे करते हैं। मैंने बोला था मेरे को नोट्स भेजना, कोई नहीं भेजा, 2-3 बच्चे ने भेजा बस, बाकी के बच्चे सोच रहे सर अपन बड़ा आदमी है क्यों भेजेंगे हम आपको, है ना? बताओ, इसलिए पीएम बनना है और कुछ नहीं। डन है बेटा, ये वाला स्लाइड डन? यस सर। ये छापो जल्दी से और ये लिखना, ये ना मैं ऐसा नहीं कि बस मेरे पास टाइम ज्यादा था मैंने लिख दिया, आपको भी लिखना है। बी केयरफुल व्हाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज़ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स, वी नो द वैल्यू ऑफ बॉक्स एक्स ओनली। डन सर, आपका फोर कैसे आया? हाँ जी, फोर कैसे आया? क्या क्या फिर से बोलिए सर, फोर कैसे आया आपका? फोर कैसे आया? यस सर। बेटा यहाँ पे सर कैसे आया यहाँ पे सवाल यही है ना? एक मिनट रुक जाओ, हमको ना कैलकुलेशन करने दो मुझे, क्योंकि आपने किया नहीं तो हमने की नहीं इसलिए पता नहीं चल रहा है। मतलब ये स्टेप गलती लग रहा है आप लोगों को? सर गलती नहीं लग रहा है, आपने शायद डायरेक्ट किया ना फोर, तो हमने कैलकुलेशन नहीं किए। बेटा डायरेक्ट नहीं किया, मैंने बोला आप लोगों से कि -6 + 5 -1 इधर आ गया +4 2x उधर चला गया 3 बॉक्स x -2x -बॉक्स x तो बॉक्स x इक्वल टू 4 आ रहा है, मैंने ये चीज बोली थी। इतना लेंथी मतलब इतना डिटेल में नहीं बोला था। मैं संडे को जनता दरबार जब लगाऊंगा तो एक सेशन रखूंगा जहां पे मैं सिखाया जाएगा आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पूरा बोर्ड मार्क सर, काउंटिंग भी सिखा देना फिर। हाँ जी, काउंटिंग भी सिखा देना, काउंटिंग भी सिखा देना फिर। ये सवाल लिखो जल्दी से।
काउंटिंग सिखा दूंगा, लेकिन काउंटिंग उल्टा उल्टा सिखाऊंगा, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, सर आती है? हाँ जी सर आती है। हाँ जी सर, बोला उल्टी गिनती आती है। उल्टी गिनती आती है तो लोगों ने आपको उल्टा गिनती सिखाया है सर बचपन में? ठीक है ठीक है ठीक है, छापो छापो जल्दी छापो जल्दी छापो, दिमाग लगाओ। छाप दिया, छाप दिया सारे बच्चों ने? नहीं रुको, गलती से भी ना नंबर इधर उधर मत करना, सवाल गलती हो जाएगा। सवाल छाप लिए? सर एक मिनट, यस सर लिख लिए। रिमार्क लिख लिए, रिमार्क सर लिख लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए। सॉरी छाप लिया। हाँ जी क्या बोलते हो आप लोग, समझ में नहीं आ, लिखो। छाप लिया क्या? हो गया सर। आप इसको लिख सकते हैं एनेक्स माई ऑप्शंस। पॉप सेक्स लिख सकते हैं इसको। सर ये भी प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है बेटा। इसको कई कई बुक में प्रॉपर्टी बन के लिखा रहता है, कई कई नहीं लिखा रहता। ठीक है लिख लेना, कहाँ लिखोगे हो सके तो कॉपी के टगले पे लिखो। टगले पे को आपका डायलॉग याद रहता होता है। बॉक्स सिक्स प्लस टू बाई एन, ये ऐसा ही चलता जाएगा, लास्ट में बच जाएगा बॉक्स एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन, एन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन ही आएगा लास्ट। तो ये आंसर आता है आपका बॉक्स ऑफ एन एक्स। काफी क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि जेई एक बार इस पे सवाल किया था और प्रॉपर्टी हमारा यही लगा। अब दोनों सवाल को देखकर आपको ये बताना है कि सर ये दोनों रिमार्क में कौन सा रिमार्क अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला, परफेक्ट। सेकंड वाला बेटा इसलिए देखो, एक्स एक्स प्लस वन बाई एन, एक्स प्लस टू बाई एन, ये देखो क्वेश्चन ने किया है जादू। इसको हंड्रेड लिख दिया है तो बेटा ये फॉर्मूला इस पे वैलिड है। लास्ट वाला प्रॉपर्टी, लास्ट वाला क्या बता रहे बेटा, लास्ट वाला जो है वो है 199 डिवाइड बाई 200। तो लास्ट में जो भी आता है वो डिनोमिनेटर से एक कम ही होता है, एन से कम होता है। तो इस केस में हमारा आंसर आता है एन इंटू एक्स। क्या मुझे बता सकते हो बेटा एन का वैल्यू कितना यहाँ पे? एन का वैल्यू सर 200, 200 वन बाई एन, टू बाई एन, थ्री बाई एन। तो एन यहाँ पे जो एक्स प्लस वाला के डिनोमिनेटर में है, तो बेटा एन का वैल्यू यहाँ पे 200 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बॉक्स एक्स बताओ, एक्स बताओ कितना है? तो आप जानते हो सर कैंसिल होके 50 बन जाएगा, और 50 का बॉक्स मेरे को नहीं मालूम सर कितना हो गया। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, खुश हो जाइए। लगता दिखने में खतरनाक है लेकिन बताओ बहुत इजीली है, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए सर जी।
लेकिन एक बात ध्यान देना सर, ध्यान देने वाली बात क्या है मुझे बताओ जरा। बता। हाँ, अगर ये एनिक्स है तो ये सिर्फ बॉक्स एक्स क्यों आया, एन कहां पे गया? अब देखो कई बच्चे ना ऐसा समझते हैं कि सर जैसा आपने बताया, ध्यान से समझना, बहुत क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूं सर, यहाँ पे एन जो है एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, चलिए जी मान लिया मैंने, तो बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे एन गायब है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बॉक्स ऑफ टू एक्स में, जैसे हम प्लस में टू को बाहर करते हैं, हम टू बॉक्स एक्स लिख सकते हैं। अरे नहीं, गलत है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, प्लस में टू है बाहर निकाल दो, माइनस में टू है बाहर निकाल दो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में बिल्कुल नहीं, कभी मत करना ऐसा काम सर। तो एन की वैल्यू सेम होगी इसलिए। हाँ जी, अब ये सवाल को समझोगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, अभी लिख लो बस, ठीक है? अभी आप लिख लो, वैसे दिमाग लगाओगे तो समझ भी जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर किसी ने हैंड रेज किया है, तो मतलब बोलिए, जो भी हैंड रेज किया है आप बिंदास बोलिए, बोल लो जी बेटा। गलती से हो गया। ओके, ये सवाल ये लिख लिया ना आप लोगों ने? यस सर। सेकंड लास्ट सम ऑफ द डे, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वापस से दिखने में ना बहुत डेंजर सा लगता है, ध्यान से समझना, कोई लिखेगा नहीं अभी सवाल को, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्लास 9th और 10th का फंडा, सच्ची बता रहा हूँ, ये सवाल 9th और 10th के फंडे से बनेगा, 11th 12th कोई जरूरी नहीं है। बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्स जो है हमारा जीरो से बड़ा है और 1000 से छोटा है, बराबर भी नहीं है, जीरो से बड़ा है और 1000 छोटा है, ये चीज एक इंटीजर है, अग्री करते हैं सर? बॉक्स ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज इंटीजर, बट आंसर में बेटा राइट साइड में क्या ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है? बहुत केयरफुली कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर। आप देख भी सकते हैं कि सर अगर आई वन मेरा इंटीजर है, आई टू मेरा इंटीजर है, आई थ्री मेरा इंटीजर है, ये हमेशा ऐड होकर के एक इंटीजर ही आंसर देगा। आप 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लीजिए, आप 2 माइनस 3 माइनस 4 कर लीजिए, हमेशा इंटीजर आंसर देगा। इवन प्लस में भी देता है, माइनस में भी देता है, मल्टीप्लिकेशन में भी देता है, लेकिन इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हम नहीं जानते सर। आप 1 डिवाइड बाय 2 इंटीजर आएगा, यू कांट से 0.5 आता है, और यहां से खोज हुआ था बेटा रैशनल नंबर का, तो पहले होल नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर आया, फिर आपका इंटीजर आया, फिर आपका रैशनल नंबर आया, फिर आपका इरैशनल नंबर आया, देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ऐसे ऐसे हिस्ट्री है नंबर की। सो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर वी डोंट नो, लेकिन इंटीजर प्लस क्या, इंटीजर का माइनस हमेशा इंटीजर आएगा, इंटीजर का प्लस हमेशा इंटीजर आएगा, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा इंटीजर आएगा। अब ये फंडा किस काम का है इस क्वेश्चन में, वो ध्यान देना है सर। हम जानते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, कि बॉक्स x प्लस टू एक इंटीजर है, बॉक्स ऑफ x प्लस थ्री भी एक इंटीजर है, एंड बॉक्स ऑफ x प्लस फाइव भी एक इंटीजर है, एंड ये जो आंसर आ रहा है बेटू, ये आ रहा है 31/30 इंटू एक्स। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, सारे बच्चे बताएंगे मेरे को बहुत खुशी होगी। बेटा अगर मैं 4/x लिखता हूं, 4/x लिखता हूं, और मैं आपसे बोलूं कि मुझे x का वो वैल्यू बताओ, क्या ऐसा ले लेते हैं ना, 1/2 x ले लेते हैं। मैं आपसे बोलूं बेटा कि मुझे x का ऐसा वैल्यू बताओ जो हमेशा रखने पे इंटीजर आंसर दे। हिंट लीजिए, x का वैल्यू आप 1 सोचो, तो 1 रखोगे बेटा, हाफ इंटू 1 इज हाफ। स्क्रीन चल रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर। आते हैं कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको बोला कि x का वैल्यू 1 रखिए आप, जैसे ही 1 रखोगे इट विल बी हाफ इनटू 1, दैट इज हाफ। ओड नंबर डाल देंगे। क्या नंबर डालेंगे बेटा? ओड नंबर। ओड नंबर पे तो नहीं होगा ना, 3 आप रख कर देख लीजिए, 3/2। आप 5 रखिए, 5/2।
इनडायरेक्टली आपको ये समझना चाहिए कि सर मेरे को एक्स का वो वैल्यू चाहिए जिसको टू कैंसिल कर दे। अगर टू उस नंबर को कैंसिल कर रहा है तो वो वैल्यूज हमारे लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। अब फोर रखकर देखिए, टू फोर को कट करेगा, टू इन टू वन टू हो जाएगा। क्या फंडा बोल दिया, इवन नंबर डालेंगे। अच्छा परफेक्ट, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, एक्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू। क्या बात समझ में आई आपको कि सर x जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ टू रखिए, आप फोर रखिए, सिक्स रखिए, एट रखिए, वो नंबर रखिए जो टू उसको कैंसिल कर दे, तो ये आपको हमेशा एक इंटीजर आंसर देगा, हमेशा इंटीजर आंसर देगा आपको। वैसे ही मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1/5 है और यहाँ पे x है, मैं आपको बोलता हूँ मुझे इंटीजर वैल्यू दो, तो आप बोलोगे सर मुझे वैसा नंबर दो जिसको 5 कैंसिल कर दे और कुछ ऊपर ऊपर ही बच जाए। इसका का मतलब ही क्या होता है, डिनोमिनेटर में कुछ बचे ना, और कुछ बचेगा कब, नहीं जब ये इसको कैंसिल कर दे, सिंपल बात है। सो x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5। इसका लिखने का तरीका ये होता है बेटा, 2 इनटू p, x क्या होना चाहिए 2 इनटू p होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 इनटू p, p जो मर्जी रखो आप, ऑब्वियस बात है p नेचुरल नंबर रखना है या होल नंबर, p इंटीजर रखिए, सिंपल बात। अब पी को कोई ये मत रखना सर 1/2 रख दो, सर 3/2 रख दो, सर 3/7 रख दो, अरे नहीं, पी मस्ट बी इंटीजर, पी बिलोंग्स टू इंटीजर, आप रखिए अब आंसर आ जाएगा आपका। वैसे ही मैं लिख सकता हूं सर एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू पी, अगेन पी बिलोंग्स टू इंटीजर, बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो क्लास 5 और 6 के बच्चों को मालूम होता है। अब यहां पे ये लॉजिक लगा सर क्यों, क्योंकि बेटा ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, तीनों का सम इंटीजर आता है, दैट मींस सर इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं 31/30x मस्ट बी इंटीजर। क्यों? क्योंकि इंटीजर का सम इंटीजर आता है सर, मस्ट बी इंटीजर। अब बेटा ये इंटीजर कब होगा, 31/30 × x ये इंटीजर कब होगा, व्हेन विल बी इंटीजर, देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विल बी इंटीजर व्हेन, बताइए व्हेन एक्स विल बी मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 30। आप रखकर देखिए 30 × something 30 कैंसिल हो जाएगा, आप एक्स मान लो आप 60 रख दिया, तो 30 × 62 से कैंसिल, 31 × 2 = 62 इंटीजर है सर। सो एक्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 30, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 30 × p, अगेन p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सवाल ये है कि एक्स जो होता है वो 0 और 1000 के बीच में है सर, सर ये कहां लिखा है बेटा, सवाल में दिया है कि x 0 और 1000 के बीच में लाई करता है, और x हमने ये फाइंड किया कि x 30p है, सो ये भी आपका 0 से 1000 के बीच में होना चाहिए। अब मुझे मालूम है सर इनइक्वालिटीज में हम लोग 30 का डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सो p मस्ट बी 0/30 0 एंड 1000/30, सो ये कैंसिल हो गया बेटा, 100/3 आया। सो p कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, 0 से लेकर के 33.333। अब देखिए बॉक्स का कितना शानदार एप्लीकेशन है यहां पे, ये कंडीशन बेटा क्या है, p इंटीजर होना चाहिए। वैसे 0 और 33.33 के बीच में काफी सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, ये तो 0 और 33 है सर, इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, क्या मुझे बहुत सारा नंबर लेना है बेटा, नहीं, क्यों कि सर p हमारा इंटीजर है। अब 0 से लेकर के 33 तक, 0 से बड़ा, 33.33 से छोटा, कितने सारे इंटीजर्स आ जाएंगे बताइए आप, 33 बेटा। अब काउंटिंग, हाँ मैं काउंटिंग लगाऊंगा संडे को क्लास, बिल्कुल सही बोला था किसी बच्ची ने कि सर काउंटिंग भी सिखाना है, अग्री, सो सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट वन बेटा, 0 और 33.33 तक इंटीजर नहीं गिन रहे हो, हाँ देवा,
अब मुझे बताइए कितने बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया, क्योंकि सवाल लॉजिकल ज्यादा था। सर आंसर आ गया, आपको आ गया? सकीना बेटा आपको डाउट है बोलिए, कहाँ पे क्या सर मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अच्छा किया आपने बेटा बता दिया, उसके लिए थैंक यू आपको। वापस समझिए बेटा एक बार और, कहानी की शुरुआत की जाए। सर बेटा कहानी में दिया था एक्स आपका जीरो और थाउजेंड के बीच में लाई करता है, ये एक इंटीजर है। मैं इंटीजर किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये बॉक्स है, बॉक्स हमेशा इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, तीन इंटीजर प्लस हो करके हमेशा इंटीजर देते हैं। दैट मीन्स 31/30 को इंटीजर बनना पड़ेगा। अब मेरा सवाल इधर से हट करके यहां पे आ गया कि 31/30 into x must be integer। अब सवाल ये सर 31/30 इंटीजर कैसे बनाया जाए अपन? तो हम लोग बना देंगे बेटा जब x का वैल्यू 30 इंटू समथिंग रखेंगे, 30 का मल्टीपल रख दीजिए आप, 30 का मान लो ऐसा नंबर रखो जो 30 से कैंसिल हो जाए, और वो नंबर कैंसिल होगा अगर वो नंबर 30 का मल्टीपल होगा, so x must be multiple of 30। अब मल्टीपल ऑफ 30 कैसे लिखते हैं बेटा, 30 इनटू सम इंटीजर। आप टेबल कैसे पढ़ते हो, 2 into 1 2 2 into 2 4, तो ये क्या होता है, इंटीजर होता है ना। कोई बच्चा पढ़ा है क्या 2 into 0.2 is 0.4, ऐसा पढ़े हो आप? नहीं। आप 2 का टेबल पढ़ते हो तो वो 2 into इंटीजर ही रखते हो, 1 रखोगे, 2 1s 2 2 2s 4 2 3s 6, ऐसा पढ़ते हो। तो वैसे ही मैंने बोला बेटा कि ये कैंसल हो जाएगा अगर ये नंबर 30 के टेबल में आता है, और 30 के टेबल में आता है दैट मींस वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए, और 30 का मल्टीपल का मतलब होता है बेटा 30 इनटू पी। अब टेबल कैसे लिखते हो, पी का 1 रखोगे 31 is 30, 2 रखोगे 32 are 60, तो 30 का टेबल ऐसे लिखते हो ना, यहाँ पे 1 2 3 लिखते जाओ सर। अब क्योंकि माइनस भी हम रख सकते हैं तो कोई पंगा नहीं है सर, इसलिए मैंने बोला कि p नेचुरल नंबर ना हो करके माइनस भी हो सकता है सर। सर हम उतार लें क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए, क्वेश्चन लिख लें अब। हाँ हाँ लिखिए, मैं एक बार उनको समझा देता हूँ बेटा। सो x के ऊपर बेटा कंडीशन था x 0 से 1000 के बीच में है, x हमारा 30 into p आया, सो 30 p 0 से 1000 के बीच में, हम दोनों साइड 30 से डिवाइड किए तो 0/30 तो 30 0 ही हो गया, और 1000/30 is 33.333, बट p पे कंडीशन है कि p हमारा इंटीजर होना चाहिए, तो आप 0 से 33.33 तक पूरा इंटीजर काउंट कीजिए, टोटल 33 मिलेंगे। आप लिखना 0 से लेकर 33.33 तक इंटीजर्स काउंट करके देखना, 33 मिलेगा आपको। सवाल चमका बेटा आप लोगों को? yes. अब चलिए जी जल्दी से लिखिए, क्योंकि आज का लास्ट सम था ये। यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज, क्वेश्चन आप वो लिखते जाइए, मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हो जाएगा मुझे बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाला भी लिख लिया, ये वाला सर लिख लिया है, ये भी हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अरे एक और क्वेश्चन छूट गया ना, इसको क्यों खत्म कर रहे हैं हम लोग, छोड़ रहे हैं, कर देते हैं इसको भी। अरे बहुत आसान सम है, मैं आप ही लोग से पूछ लेता हूं बेटा, लिखिएगा मत, ध्यान दीजिएगा, आंसर देखो इसका, सॉल्यूशन देखो, सॉरी बेटा, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3।
आपको क्या लग रहा है सर कि एक बॉक्स के अंदर ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स है? तो पहला चीज ये है कि सर, ये बॉक्स तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर हमेशा बाहर होता है। तो बॉक्स के अंदर बॉक्स देखोगे तो बॉक्स भी भगा देता है। एक जंगल में एक ही शेर रहते हैं, दो शेर कब से आ गए, दो शेर झगड़ा कर लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा बॉक्स एक्स प्लस, अब देखो ये बॉक्स के, ये बॉक्स को मैं बाहर निकाल रहा हूं और ये बाहर टोटली बाहर कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है? या ऐसा भी लिख सकते हो सर, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। अब आपने देखा सर बॉक्स के अंदर दो बॉक्स, ये दोनों बॉक्स इंटीजर होते हैं तो दोनों बॉक्स को बाहर कर दो। सो फाइनल आ जाएगा बेटा बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। लग रहा है सर कोई गेम खेल रहे हैं, थ्री बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। सो बॉक्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक बेटा, लेस देन इक्वल टू वन। अब बताओ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? अगर बॉक्स एक्स आई से सर माइनस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी माइनस से टू तक, लेस में माइनस इनफिनिटी से आई प्लस वन जाते हैं। यस सर, ये रे देवा बॉक्स एक्स लेस, अच्छा लेस में आई एक आगे जाता है। समझा करो, आ गया सर याद। आप लोगों के मम्मी ने ना बचपन में हॉर्लिक्स नहीं पिलाया, मेमोरी अच्छा होता सर। नहीं बादाम बॉर्नविटा पिलाया था, बादाम की जगह पे ना पिस्ता बादाम की जगह पे चिनिया बादाम खिला दिया, ठग दिए आपको सर। लिख लो, ये सवाल था आज का लास्ट सर। ऊपर वाला निकाल लो, कल नया दिन नया शुरुआत करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे बात, और कल ही निपटा देंगे उसको, है ना? वाह, शायरी लिखी है, लाइन बनाई है। अरे मेरी शायरी है, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को कभी। अच्छा शायरी सर, आप लिखते हो? मैं बहुत काम करता हूँ, बस बताता नहीं सर। आप स्पीकर चुप कर दिया था ना क्लास में सर। प्रधानमंत्री बन के जब स्पीच दोगे ना तो मस्त शायरी आता है। वेल प्रिप ना, प्री प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। कई बार तो मैंने लेक्चर वो भाषण भी लिखा है कि मेरे को जनता के सामने कैसा बात करनी है। लिखो सर, पहले लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। डन? यस सर। नहीं, यस सर, यस सर। परफेक्ट, तो बहुत सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, ये लिखो। वैसे क्या लग रहा है, फंक्शन बहुत टफ चैप्टर है सर? सर समझ में तो आता है, लेकिन पंगा यही है कि हम ट्राई नहीं करते, और हम ट्राई नहीं करते तो सर हमको समझ में नहीं आता है, लगता है सब भूल गए। याद रखो बेटा, मैथ्स देख करके सॉल्व नहीं किया जाता है। मैथ्स एक ऐसा मूवी है जो आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक्टिंग खुद करो, समझे? ये कोई बॉलीवुड का पिक्चर नहीं है, आप देखोगे दूसरे को एक्टिंग करते हुए आप कर लोगे, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, खुद आपको लड़ना पड़ेगा इससे। हो गया, हो गया। ये सवाल होमवर्क है, मैंने बताया इसके जैसा सम कि बॉक्स एक्स को आप टी पुट करना, क्वाड्रेटिक बनेगा, आंसर लिख के लाना। सो दिस इज योर होमवर्क। अब कोई ऐसा शैतानी किया ना सर, होमवर्क नहीं करके लाया बेटा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्या ही बताऊं मैं सर, बता दो। ये भी होमवर्क है, होमवर्क ये है, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, सुन लो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू बॉक्स सिक्स, दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफ। सर वो ऊपर वाला निकाल लो, एक मिनट। ये ग्राफ वो पीडीएफ मिल जाएगा बेटा होमवर्क का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बॉक्स एक्स, दोनों का ग्राफ सेम प्लेन पे बनाकर लाना है। सवाल समझाऊंगा लेकिन ग्राफ आप बनाओगे, दिमाग लगाओगे, ग्राफ बनाओगे। एंड कुछ कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स है, आई एम श्योर कि बच्चा कर ही लेगा, है ना? कोई जादू मंत्र की सवाल है ही नहीं सर, सारे क्वेश्चन के साथ फाइट मारना, जो नहीं आएगा हम हैं ही, जो नहीं आएगा उसके लिए हम हैं, इसके जैसा तो सब मैंने कराया है।
ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, आंसर देखोगे तो आ जाएगा आपका 3 बॉक्स। छोड़ मैं आंसर क्यों बताऊं अभी, क्यों ही बताऊं मैं आंसर। तो चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलेंगे आपसे, थैंक यू सर, भूल गए थैंक यू सर। अब जिन बच्चों को जो जो बातें करनी है रुक सकते हैं और बोल सकते हैं, अपने दुखड़ा सुना सकते हैं हमें, क्या क्या पंगा आ रहा है, कैसा कैसा चल रहा है पढ़ाई, बताइए।